मध्य प्रदेश में करप्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सहकारी समिति के कर्मचारी अरुण गुप्ता ने यहां लोकायुक्त के छापा मारा तो उसकी आय से 213 गुना ज्यादा संपत्ति उसके पास मिली है। छतरपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सागर लोकायुक्त ने सहकारी समिति धावड़ के अरुण गुप्ता के यहां छापा मारा है। अरुण के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने पर यह कार्यवाही की गई है। लोकायुक्त डीएसपी मंजू सिंह के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। अभी तक तलाशी में लगभग 213% आय से अधिक संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं। लोकायुक्त टीम को आरोपी के पास से कई रजिस्ट्री और खाली चेकबुक पाई गई है। लोकायुक्त टीम ने बताया कि आरोपी ब्याज पर पैसे देने का कार्य करता था, जिसके बदले में ऋण प्राप्त करके हस्ताक्षर युक्त ब्लैंक चेक लेता था। साथ ही उसके द्वारा कई प्रॉपर्टीज में भी निवेश के प्रमाण मिले हैं। उसके पास 10 से अधिक रजिस्ट्री मिली है। हमें एक शिकायत मिली थी, विक्रेता है समिति प्रबंधक धावाड़ के अरुण कुमार गुप्ता जी, इनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा जब से शासकीय सेवा में आए हैं भ्रष्ट आचरण से इनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है, जिसका हमारे द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन पर प्रथम दृष्टया हमारे द्वारा 213% अधिक आय की तुलना में इनका व्यय अधिक पाया गया, तो अनुपातन संपत्ति का प्रकरण पंजीबद्ध करके हमारे द्वारा आज छापा की कार्रवाई की गई। बहुमूल्य दस्तावेज मिले हैं रजिस्ट्री के संबंध में, 24 चेकबुक, 4 बैंकों के खाते, कई चेकबुक मिले हैं, पासबुक मिले हैं, और ऐसे भी हमें चेक मिले हैं जो किसी अन्य के द्वारा जारी किए गए इनके नाम से या इनके द्वारा उनसे लिए गए हैं, और इनके द्वारा जो ब्याज पे पैसे दिए गए हैं उसकी पूरी जानकारी मिली है। कुछ नकदी प्राप्त हुई है, जेवरात प्राप्त हुए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।